आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, इसे गजट नोटिफिकेशन के बजाय कानून के जरिए लाया जाना था। यह टिप्पणी की है भारत की भावी मुख्य न्यायाधीश और नोटबंदी पर फैसला देने वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ की सदस्य जस्टिस बीवी नागरत्ना की, जिन्होंने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को गैरकानूनी बताया है। हालांकि संविधान पीठ ने आज नोटबंदी के खिलाफ दायर 58 याचिकाओं को खारिज कर केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत हुई थी, इससे ये माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। संविधान पीठ ने यह फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी आर गवई, ए एस बोपन्ना और वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बीवी नागरत्ना शामिल थे। इनमें से जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला लिखा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गैरकानूनी था, इसे गजट नोटिफिकेशन के बजाय कानून के जरिए लाया जाना था। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका सरकार के पुराने फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि जस्टिस बीवी नागरत्ना देश की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। वरिष्ठता के हिसाब से सितंबर 2027 में वो भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बनेंगी। बतौर चीफ जस्टिस बीवी नागरत्ना का कार्यकाल महज 36 दिनों का रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत टीवी।